अरे मोतीलाल नगर एक नंबर में। ये फिल्म झारखंड में नेतरहाट में शूट हुई है। और झारखंड की एक पौन धरती पे शूट हुई है। और फिल्म छैला संदो, मुझे जहाँ तक लगता है ये फिल्म ऐतिहासिक होने वाली है और बहुत साफ सुथरी फिल्म है। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं मुकेश जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करके इस फिल्म को बनाया। उमेश जी ने म्यूजिक दिया इस फिल्म को, बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, मतलब दिल को छूता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि संजय निषाद सर को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने जितना इनसे हो सका, जितना इनको लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए अपना बेस्ट, इन्होंने अपना दिया। अप्पू भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, उदय सर ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी कलाकार ने बहुत अच्छा काम किया है। राहुल भाई इस फिल्म के हीरो हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तनुश्री जी हीरोइन है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। सारे कलाकार ने बहुत अच्छा काम किया है। राकेश बकाड़िया जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, राजेंद्र बकाड़िया जी। और मैं आप लोग से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने बहुत सारी फिल्मों को बहुत सारा प्यार दिया है, उसी तरह मैं आप सभी लोगों से, श्रोतागणों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जब ये फिल्म रिलीज़ हो आप लोग सिनेमा घर में आइए, फिल्म को देखिए, छैला संधु को। मैं इस फिल्म के अंदर एक गाना किया है जो झारखंड का बहुत ही फेमस सॉन्ग है, और मैं चाहता हूँ आप लोग से, आप लोग आइए इस फिल्म को देखिए। और मैं फिर से एक ही चीज़ कहूँगा, ये मेरी ज़ुबान है, ये फिल्म 2020 में ऐतिहासिक होने वाली है, ये मेरा दावा है। म्यूजिक की बात कर लेते हैं, कुछ बताइए संगीत कैसा है, गाने कितने हैं, किस तरह के म्यूजिक होंगे फिल्म? एक्चुअली इसमें टोटल 6 गाने हैं, और जिस हिसाब से स्टोरी थी उसके अकॉर्डिंग म्यूजिक किए हैं हम लोग, और अपनी कोशिश रही है कि थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए। तो थोड़ी अवधि और भोजपुरी और झारखंड के कल्चर को लेके मिक्स है,